एक बार फिर आपके साथ आपकी होस्ट अना और जनाब, हमारा बहुत ही अच्छा, बहुत ही जबरदस्त सेगमेंट जिसका हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है, हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि सिर्फ यहाँ आप लोग रिपीट नहीं देख रहे होते बल्कि आप नेट पे भी सर्च कर रहे होते हैं, इन प्रोग्राम्स को सुन रहे होते हैं और अपनी जिंदगी को खुशगवार भी बना रहे हैं, अपनी जिंदगी से मन की सोचों को हटाकर अपनी जिंदगी में बहुत सारी पॉजिटिव चीजों को लेकर आ रहे हैं। वो सिर्फ किस वजह से कि जब आप किसी शख्सियत से अच्छी बातें सुनते हैं तो उन पर अमल करते हैं। जरूरी नहीं कि उस दिन वो सारी ही बातें हो जाए, एक एक करके एक एक दिन के बाद आहिस्ता आहिस्ता कुछ चेंजिंग्स आपके अंदर आनी शुरू हो जाती हैं। सारी चीज़ें आप फौरन उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होता बल्कि कुछ अर्से के बाद आहिस्ता 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 वो अपनी ज़िंदगी को टोटली चेंज कर लेते हैं। तो आज भी हमारा एक बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त टॉपिक, और नॉर्मली ये भी बहुत सारे लोगों में देखा जाता है, तो हम आज इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यकीनन आप लोग हमेशा की तरह बहुत गौर से सुनेंगे। हमारे साथ हमेशा की तरह एक बहुत ही अच्छी शख्सियत जो अपनी बातों से आप लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, अल्टरनेटिव मेडिसिंस विद डॉक्टर अब्दुल समद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। हमारे साथ हैं जनाब, आज का टॉपिक मैं जरूर बताऊंगी डॉक्टर साहब, लेकिन जिस तरह से लोगों का एक मतलब होता है कि लोग पूछ रहे होते हैं कि ये जो बात हम, क्योंकि हम अपनी सोच से चेंज कर सकते हैं अपनी जिंदगी, अपने लाइफ स्टाइल को, तो आज जो मसला हम डिस्कस करने जा रहे हैं, नॉर्मली जो इस वक्त हमारे मुल्क की सूरत हाल या हमारे घरों की सूरत हाल या जो भी चीजें परेशानियों से, ये मसला भी आ गया है। तो अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि जो स्लिपिंग प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, नींद की जो कमी है और हमारी विल पावर, तो उसके बारे में आज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये आ रहे हैं ना मसाइल, ये सारे आ रहे हैं ना, टॉपिक रखना चाहिए ना? बिल्कुल, ये अच्छे टॉपिक है, जबरदस्त टॉपिक है, बहुत अच्छा। तो ये जो इतने सारे मसाइल हैं, इतने सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी उसकी वजह से लोगों की नींद डिस्टर्ब हो गई है, लोगों को नींद के मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो क्या बताएंगे हम? जी बिल्कुल, नींद की प्रॉब्लम आजकल हर इंसान को तकरीबन है। कुछ लोग तो टाइम पे भी अगर सो जाता है फिर भी सुबह फ्रेश नहीं उठते हैं, कुछ लोग टाइम के जो है ना आगे पीछे हो जाते हैं, टाइम पे सोते नहीं हैं, और जिसकी वजह से उनके कारोबार डिस्टर्ब हो गए हैं, उनके तमाम ताल्लुकात डिस्टर्ब हो गए हैं और उनमें प्रॉब्लम्स आ गए हैं, बहुत से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, अगर सही नींद ना लेने की वजह से साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल डिजीज आते हैं। नींद इतनी जरूरी चीज है हमारी जिंदगी में कि इस पे गौर करनी चाहिए, क्योंकि नींद को अच्छे प्रॉपर लेना बहुत जरूरी है, आराम करना बहुत जरूरी है। सारे दिन में हमारे केमिकल्स बनते हैं, हम मुख्तलिफ सोचे हमारे हैं, तो बॉडी से कुछ केमिकल्स अंदर बनते हैं, जब हम सोते हैं वो केमिकल्स टॉक्सिक्स के तौर पे होती है, टॉक्सिक्स होती है इस तरह के टॉक्सिन जिसे कहते हैं, वो टॉक्सिन आहिस्ता आहिस्ता वो रिमूव होना शुरू हो जाए, यानी खत्म होना शुरू करते हैं, वो जैसा कि वो केमिकल उड़ जाते हैं जब हम आराम से आराम से आराम से हम सोते हैं। तो ये नींद का, जिस तरह हम खाना खाते हैं तो हमें आराम की भी जरूरत होती है। तो ये जो नींद है ये इंसान की जरूरत है या आदत है? हाँ, नींद इंसान की जरूरत भी है और आदत भी बन जाते हैं, आदत ही बन जाती है, दोनों चीजें हैं, क्योंकि जरूरत इसलिए है कि हमें बॉडी के आराम की जरूरत है, हमेशा हमें आराम करनी चाहिए, जिस तरह गिजा की हमें जरूरत है नींद का भी इसी तरह की जरूरत है। मगर दुनिया में बहुत से देखा गया है ऐसा भी कि बहुत से लोग सोए ही नहीं सारी जिंदगी ऐसा कई मिसाल है, पता नहीं कई लाख लोगों का है, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं कि सारी जिंदगी वो सोई ही नहीं बिल्कुल। तो बात ये है कि वो भी जिंदा है यानी अशाश प्रशाद जिंदगी गुजार रहे, सही है वो, बिल्कुल जैसे आम लोग जो सोते हैं उनकी तरह की जिंदगी गुजार रहे। तो यहाँ से पता चल जाता है कि नींद को कैसा डिफाइन किया जाए, किस तरह की उसकी तशरी किया जाए, उनको कैसे समझा जाए कि नींद है क्या किस तरह। मेडिकली जब हम देखते हैं कि हमारे नींद की हमें इसलिए जरूरत पड़ती है कि हम जो दिन में काम करते हैं, जो तमाम सोचते हैं, तो केमिकल्स नेगेटिव होते हैं माहौल से, सारा कुछ जो भी है, तो कुछ चीजें हमें केमिकल्स बनते हैं, ऐसा केमिकल्स जो उसको बॉडी के लिए सही नहीं है, वो रिलीज होना चाहिए, वो खत्म होना चाहिए उसको, तो वो चीज जो है ऐसा बनता है जिस तरह के स्पिरिट नहीं होते हैं, जो अल्कोहल जो हम इंजेक्शन के लिए जो लगाते हैं और उसको साफ करते हैं ना, जरासीम कुछ जो चीजें हैं, वो उसकी तरह
बनते हैं और जब हम आराम करते हैं उसी तरह बॉडी से रिलीज उड़ जाते हैं, वो जिस उड़ जाती खत्म ही हो जाती है, वो आदत भी खत्म हो जाती है, जरूरत भी खत्म हो जाती है। ये मेडिकल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि हमें अच्छे प्रॉपर नींद लेने की जरूरत है। सही, और ये बताया जाता है ना कि 6 घंटे की या 8 घंटे की नींद जरूरी होती है, तो वो 8 घंटे के, देखिए बच्चों के लिए तो 12 घंटे जो बिल्कुल अभी बच्चे, आपको पता है जो बिल्कुल बच्चे नए नए 1 साल के, आप खुद देखा है सोते ही रहते हैं। हाँ सोते रहते हैं, तो 12 घंटे तो सो जाते हैं ना दिन में, मेरे ख्याल में 24 घंटे में 12 घंटे सो जाते हैं, आपको खुद तजुर्बा है होता कि नहीं? बिल्कुल, ये बात तो है कि, और जो बिल्कुल न्यू बोर्न होते हैं वो तो बिल्कुल सो ही रहते हैं, थोड़ी देर के जब उन्हें भूख लगती है तो बस वो उठते हैं और फिर सो जाते हैं, थोड़ी देर मुंह खोल लेते हैं, हाथ पांव लगा फिर सो जाते, उधर से थोड़ी आवाजें दे के ना फिर कुछ दूध पिए और फिर सो गए, फिर सो गए, बड़ी होती होती आहिस्ता आहिस्ता हमारी नींद में एक एक हिसाब पलते हैं, एक एक हिसाब पे, और वो है दूध दूध पे। अब जब बड़े हो जाते हैं तो इंसान मुख्तलिफ चीजें लेते हैं, उससे फिर बॉडी में और किस्म के केमिकल्स, ठीक है, तब्दीलियां भी आती हैं। तो वो हर चीज लेते हैं, हर चीज पे इंसान हर चीज खोर है ना, हर चीज खाते हैं बिल्कुल, तो उससे फिर बॉडी में और ज्यादा मकसद केमिकल्स बनते हैं, मुख्तलिफ चीजें जो हम लेते हैं वो बॉडी के लिए कभी मौजूद होता है कभी नहीं होता है, कभी ओवर चीजें हो जाते हैं, तो एक्स्ट्रा चीजें जब हम लेते हैं तो एक्स्ट्रा जो केमिकल्स है, जो एक्स्ट्रा विटामिन है, जो एक्स्ट्रा मिनरल्स है, वो भी जमा होते हैं। सही। तो जब बढ़ापे होते हैं तो उसमें हमें फिर यानी बड़े हो के तो हमें 8 घंटे की नींद की जरूरत होती है, मगर दौरानिया जब उम्र बढ़ते जाते हैं, उम्र बढ़ते जाते हैं, कभी नौजवानी में 9 घंटे भी हो सकता है नींद, 10 भी हो सकता है, और इस तरह फिर कम होते जाते हैं, 8 भी आ जाते हैं, 8 से जब इंसान 40 की उससे ऊपर हो जाते हैं तकरीबन, तो उसमें होता ये है कि इंसान की नींद की दौरानिया और कम होना शुरू हो जाते हैं, ऐसा कम होती जाती है, 6 पे आ जाते हैं या 7 घंटे पे आ जाते हैं, 7 से 6 पे आ जाते हैं, और ऐसा टाइम आ जाते हैं जो कि बिल्कुल नींद कम हो जाते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब अगर ये जो नींद है इसकी कमी की वजह से कोई जिस्मानी या नफसियाती मसाइल भी हो सकते हैं? नींद की कमी की वजह से जाहिर है इंसान, देखिए एक तो फ्रेशनेस नहीं होते हैं, आप हम सोते हैं आराम सही नहीं करते हैं तो फ्रेशनेस नहीं होते, फ्रेशनेस अगर नहीं है तो मसाइल बन जाते हैं, मसाइल आ जाते हैं, और इंसान को अब आदत बना दिए उन्होंने नींद को, तो अगर वो आदत उनको सही तरीके से मिल नहीं रहे तो फिर जाहिर है वो होता है, और वैसे जरूरत भी है बॉडी को, हमारे फिजिकल बॉडी को जरूरत है, हो सकता है हमारे जो एथरिक बॉडी है जो हमारा जहन उसके लिए जरूरत ना हो, मगर हमारे बॉडी के लिए जो फिजिकल बॉडी इसके लिए जरूरत है, इसके लिए जरूरत है। अच्छा, ये जो अभी आपने कहा कि जैसे जैसे हमारी एज ज्यादा होती जाती है और हमारी नींद का दौरानिया भी कम होता जाता है, अब जो लोग हैं जिनकी इतनी अभी एज भी नहीं है उनको नींद नहीं आती है तो वो दवाइयों का इस्तेमाल करने लगते हैं, कुछ स्लीपिंग पिल्स भी ले रहे होते हैं, क्या ये इस्तेमाल भी सही है इस सूरत में? नहीं, ये तो बहुत गलत है, क्योंकि जो है ना कोई स्पेशलिस्ट के बगैर आप किसी मेडिसिन को इस्तेमाल करना डॉक्टर अपनी मर्जी से नहीं करें, अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो एक मेडिकल डॉक्टर को पता है कि वो इसके कितने नुकसान हैं, उनको पता है, जो लोग बेदरी दवाइयां इस्तेमाल करते हैं ये बड़ी नुकसानदेह है, ट्रैंकुलाइजर इस्तेमाल करना, ट्रैंकुलाइजर में वो केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी को यानी हमारे हर सिस्टम को डल करते हैं, सुला देते हैं, रनुदगी सारी होते हैं, उसमें वो जो जान है, वो जो मोमेंट है जो कि होना चाहिए, जितना इंसान मूव करते हैं ना, वो लिजीनेस यानी वो आसाब को दिमाग को डल कर देते हैं, मेन जो साइड इफेक्ट है उसका ये है, ठीक है, जब हमारे दिमाग सोया रहते हैं तो हम इस्तेमाल कैसे करेंगे उसको, बिल्कुल, तो हमें तो जागने की कैफियत में दिमाग को इस्तेमाल करना है, ठीक है, तो इस वजह से जो जो जितने भी स्लीपिंग के लिए जो मेडिसिन लोग लेते हैं ये जो है ना तजवीज़ जब तक तजवीज़ नहीं किए हैं उस वक्त तक बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए, ठीक है।
तो ये बात आप याद रखें कि अपनी मर्जी से तो अब आप लोगों ने बिल्कुल भी स्लिपिंग पिल्स नहीं लेनी है। जब जिसका दिल चाहता है जाके मेडिकल स्टोर पे पिल्स लें और ली, और इसके नुकसान है डॉक्टर साहब ने कहा कि आपकी रोजमर्रा जिंदगी पर। अब देखिए आरजी तो आपको आराम आ गया, आरजी तो चलो आपने ले लिए और सो गए, उस वक्त नींद आ गई, एक तसल्ली हो गई बिल्कुल। आहिस्ता आहिस्ता अगर आप लेते हैं इसके डोज बढ़ते जाते हैं, फिर आप जितना जितना लेंगे वो मेडिसिन जितना लेंगे उससे भी नींद नहीं आता है, फिर और डोज बढ़ते जाते हैं फिर हो सकता है इस तरह के। तो ऐसा लोग हमने देखे कि ये तकरीबन मुझे तजुर्बा है कोई आज से तकरीबन 11 साल पहले एक शख्स मेरे पास लाहौर में एक शख्स आया, वो डायजिपम यानी डायजिपम जो है वो 5 mg अगर कोई लेते हैं तो वो बिल्कुल नींद की कैफियत में, वो ड्राइविंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो कैफियत अजीब होते हैं। सही। वो शख्स जो है ना तकरीबन 20 mg लेता था। ओह माय गॉड। 20 mg लेता वो, और उसमें भी उनको नींद सही नहीं आता था। 15 mg ज्यादा नॉर्मल से हटके, यानी आप देखे अगर 20 mg आप किसी एनिमल को भी देंगे तो वो भी सुला सकते हैं, वो भी सो जाते हैं, एनिमल भी के ऊपर इतना ज्यादा असर है उसका। तो होना ये चाहिए कि देखे अगर हमें वजह क्या है कि ये वो उस चीज के साथ आदि हो चुके थे। अब ज्यादातर जब हम एनेस्थीसिया के लिए जो लोगों को जो हम एनेस्थीसिया देते हैं, एनेस्थीसिया में ये होता है कि जब अगर कोई किसी का ऑपरेशन होता है एनेस्थीसिया जब देते हैं उसमें ये मेरा अपना तजुर्बा है कि मैंने देखा है लोगों को कि जिसने ज्यादा जो नशीली जो ज्यादा नशा इस्तेमाल करते हैं या इस तरह नशीली मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं उनको काफी हाई डोज देना पड़ता है। अच्छा, नॉर्मल लोगों की तरह वो जनरल एनेस्थीसिया के लिए वो उनका कोई वो नहीं होता उन पे है, वो इतना असर नहीं करेगा, असर नहीं करता है, उतनी हाई डोज देने पड़ती है तो फिर वो हो सकता है वो बेहोश हो जाए उसके बाद उनका। हाँ, फिर तो होता ये क्योंकि उसके पहले से वो नशे के साथ आदि हो गए, तो गलत बात है, आप गेन ना करें। अच्छा डॉक्टर साहब, जो नींद पूरी नहीं हो रही है तो क्या हमारी रोजमर्रा जिंदगी पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है? जो नींद पूरी नहीं होते या जाहिर है नींद के ना पूरी होने के हमारे जो रोजमर्रा जिंदगी देखे बिजनेस डिस्टर्ब हो सकता है, हौसला कम आते हैं, चिड़चिड़ापन आ सकते हैं, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो उस वजह से जरूरी है कि हम प्रॉपर नींद लें। अच्छा, अगर जैसे हमारी नींद पूरी ना होने का तो मैंने पूछी, और अगर हमारी नींद पूरी हो रही है तो फिर हमारी रूटीन पर किस तरह से फर्क आ सकता है, और हमारी नींद पूरी होने से हमारे कौन से और जिस्मानी और नफसियाती तौर पर भी हम बेहतर हो सकते हैं? बहुत बेहतरी आ जाता है, अगर हमारी नींद अच्छी है तो हमें भी बहुत बेहतरी आ सकता है, बहुत बेहतर हो सकता है, क्योंकि हम हर काम के लिए रेडी होते हैं, हम तैयार होते हैं, फ्रेश होते हैं, तरोताजा होते हैं, उठते हैं ना, और अपने काम करते हैं, हौसला भी होते हैं, बर्दाश्त भी होते हैं, हमें भी चिड़चिड़ापन नहीं आते हैं। सही, बड़ी प्रॉब्लम ये देखे ना, नींद पूरी करें, अब ये भी नहीं है कि फिर सोते रहे। अच्छा, बैलेंस होना। एक बात यहाँ याद रखें कि बहुत से लोग हैं जो बहुत कम नींद होते हैं मगर बहुत कूल रहते हैं, बहुत आराम, सबका ऐसा नहीं है, मगर ज्यादातर लोगों के साथ जिसकी नींद पूरी नहीं होती है उनमें फिजिकली या जो है ना या कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बहुत से लोग ऐसा है, मगर ऐसे लोग भी हैं जो कि बिल्कुल उनकी नींद नॉर्मल नहीं होती है लेकिन फिर भी वो शाश फ्रेश रोजाना अपने काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइए कि ज़ील साइंस इंस्टीट्यूट में स्लीपिंग प्रॉब्लम्स का हल मौजूद है? देखिए हम मैं आपसे जवाब जरूर लूंगी क्योंकि अब लोग चाहेंगे कि अब इनका मसला हल हो, तो रियल साइंस इंस्टीट्यूट में मसला हल हो सकता है स्लिपिंग प्रॉब्लम्स का, यानी इसका जवाब आपको जरूर मिलेगा, लेकिन टाइम हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक के बाद इस सवाल का जवाब जानिए और हमारे साथ साथ रहिए इवनिंग लाउंज में।
वेलकम बैक एक बार फिर आपके साथ। और डॉक्टर साहब से मैंने सवाल किया था आज का जो हमारा टॉपिक है, पहले मैं एक बार आप लोगों के लिए रिपीट कर दूं कि जो लोग अभी अभी हम जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है तो उनके लिए स्लिपिंग प्रॉब्लम्स को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। नींद की कमी, नींद का ना आना, अपनी मर्जी से दवाइयों का इस्तेमाल करना या फिर सोते ही रहना, तो ये डॉक्टर साहब आज हमें बता रहे हैं। और डॉक्टर साहब मैंने आपसे सवाल किया था कि दिल साइंसेज इंस्टीट्यूट में स्लिपिंग प्रॉब्लम्स का हल मौजूद है। देखिए कुछ चीजें होती है जो इंसान बहुत से कुछ नहीं जानते। स्लीपिंग प्रॉब्लम अल्हम्दुलिल्लाह 100% मौजूद है। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि है, इसके इलाज है, बेहतरीन इलाज है, और वो है हम जो कोर्सेज करवाते हैं, समता हीलिंग एनर्जी है, HMF है, हम एक ऐसे तरबियती कोर्स उसको देते ही हैं, एक ऐसे एक कोर्स होते हैं जैसा कि एक मेडिसिन एक कोर्स है, इस तरह के कोर्स होते हैं जो कि नेचुरल तरीके से आप अपनी तमाम जितने भी प्रॉब्लम्स है, ना स्लीपिंग प्रॉब्लम और भी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करें किसी आसान मेथड्स के थ्रू। ये जिल साइंसेस का यही एम है और यही तरबियती जो क्लासेस होते हैं यही देते हैं हम। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमने बिल्कुल प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। देखिए जिस तरह हमने बात की थी कि स्लिपिंग प्रॉब्लम्स और विल पावर, तो विल पावर के बारे में मेरा सवाल ये कि ये क्या होती है विल पावर, जिन लोगों को नहीं मालूम कि विल पावर क्या चीज है तो उनके लिए आप क्या डिफाइन करेंगे? देखिए विल पावर आपकी एक जो है ना, जिसे हम एक स्ट्रांग से इरादा कहते हैं ना, ताकतवर इरादा ना, इरादा सही कहते हैं ना विल पावर को। तो अगर इंसान के जो इरादा है वो स्ट्रांग है हमेशा हर चीज में, वो अचीवमेंट्स करते हैं। इरादा आपके ताकतवर हो, पावरफुल हो, तो आप जिंदगी में बहुत सी चीजें अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं और हौसला होते हैं आपके अंदर, सही ताकत होते हैं और आप फेस करते हैं प्रॉब्लम्स को, लड़ते हैं उनके साथ और प्रॉब्लम्स को, बल्कि ऐसा समझते हैं कि आप जैसे आप कहते हैं कि वेलकम, आप आ जाए, हम देखें, हम आपसे लड़ते हैं और कामयाब हो जाते हैं। इतना मजबूत इरादा, इतना स्ट्रॉन्ग। हाँ, दुनिया के जितने भी यानी जो लोग हैं, जो दुनिया में अच्छे अच्छे इजादात के नाम है, हिस्ट्री में उनके नाम लिखी है, ये तमाम चीजें जिन्होंने इतने बड़े बड़े साइंस में इतने बड़े इंकलाब लाए हैं, बाकी चीजों में इतने बड़े बड़े इंकलाब लाए हैं, वो किसने लाए? क्योंकि उन्होंने अपने इरादों को इतने स्ट्रांग किए थे, इतने स्ट्रांग किए थे अपने इरादों को कि वो कामयाब हो गए हर चीज में। बिल्कुल, उनकी विल पावर इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि उन्होंने जो सोचा, जो उनका इरादा था उन्होंने किया। थी नहीं, है भी नहीं, है फिर किया किए, बाकी ये नहीं कि हम थी ना छोड़ दें, उनका है, किए हैं उन्होंने, किए हैं। क्योंकि अगर आप ये कहेंगे कि उनके विल पावर स्ट्रांग थे और हमारे नहीं है, या मिसाल वीवर्स में कोई भी शख्स है वो अपने आप को कमजोर समझते हैं, वो कहेंगे थी तो चला गया, हम भी नहीं है। हाँ, हमें भी नहीं है, हम नहीं कर सकते, उनके पास तो बड़ी पावर थी, मतलब विल पावर है, विल मौजूद है, विल पावर हर इंसान के अंदर मौजूद है। अब ये कौन है, किन्हीं ने अपने सोच से कमजोर बनाया, किसी ने अपने सोच से बढ़ा दिए हैं, ठीक है, कि सोचने वाले बात है कि इंसान अगर अपने आप को समझते हैं अशरफ मखलूकात, ताकतवर समझते हैं, और साइंस के हवाले से भी दोनों एक सबूत है, दीन के हवाले से भी इंसान अशरफ मखलूकात है, एक ताकतवर इस दुनिया पे जो है ना, एक बहुत बड़ी पावर है, बल्कि कायनात में अल्लाह ने बहुत बड़ी पावर ताकत जो है वो इंसान को जो है ना बनाए हैं, ठीक है। तो जब इंसान को बनाए इतने पावरफुल है तो वो इरादे उसकी कमजोर नहीं हो सकते। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि जैसे हम बात करें कि विल पावर हमारी स्ट्रॉन्ग या कमजोर, हमें खुद अपनी विल पावर को चेक करना चाहिए कि हम कितना कर सकते हैं, लेकिन कौन सी ऐसी उम्र होती है इंसान की, किस उम्र में आकर वो अपनी विल पावर को यूज कर सकता है, ये उसे किस वक्त एहसास हो? देखिए सबसे पहले तो ये समझना होता है, आपके सवाल का जवाब मैं बाद में दे दूंगा, सबसे पहले इसी सवाल के साथ साथ जी सबसे पहले तो इंसान को ये समझना चाहिए कि वो एक ताकतवर मखलूक है, सही, वो इरादा खुद से स्ट्रांग कर सकता है, ठीक है। सबसे पहले अगर एक इंसान तैयार ही नहीं है कि वो अपने आप को, अपने लिए तैयार ही नहीं कि मैं तो कमजोर ही हूँ, तो उसने अपने माइंड को, अपने जो चीज सलाहते हैं वो उन्होंने छुपा के यानी रखे, उसने
बाउंड कर, उसने उसके ऊपर पर्दा डाल दिया बिल्कुल अपने सलाहियतों पे, ठीक है, तो वो कभी भी अपने विल पावर को स्ट्रांग नहीं कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं। सबसे पहले उसे अपने आप को मजबूत करना, सबसे पहले उन्होंने मजबूत सोच, सबसे पहले देखे अपने बारे में जानना जरूरी है, अपने ताकतों को जानना जरूरी है। साइंस के हवाले से भी आजकल हम जब पढ़ते हैं ना, साइंस में, साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले अपने आप को समझने की कोशिश करें, ठीक है, फिर आप इंसान को भी समझ सकते हैं, अपनी तमाम किरदार, अपने तमाम जितने भी आप कर रहे हैं सलूक है आपकी जिंदगी में, रोल है वो समझ सकते हैं, अपनी जिंदगी की घोल समझ सकते हैं, अपनी चाहते समझ सकते हैं, लोगों के चाहते समझ सकते हैं आप, लोगों के पॉजिटिव ताकतें समझ सकते हैं, अपने पॉजिटिव ताकतें समझ सकते हैं। सबसे पहले अपने लिए अवेयरनेस जरूरी है, राइट, ठीक है। जब आप अवेयर नहीं है अपनी इनर दुनिया से कि आप खुद क्या हैं, तो उस सूरत में प्रॉब्लम्स आते हैं, आपके बिजनेस में रिकावट आ सकते हैं, आपके रिश्तों में रिकावट आ सकते हैं, आपके बहुत सी चीजों में रिकावट आ सकती है, तो आगे नहीं बढ़ सकता है, हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते हैं, ये तमाम चीजें इंसान को आते हैं। हो सकता है एक चीज में हम बहुत आगे बढ़े, मिसाल के तौर पर दुनियावी लिहाज से हम बहुत आगे बढ़े, पैसा बहुत कमाए, मगर हो सकता है हम रिश्ते हमारे सही ना हो, ठीक है, उसमें हमें नाकामी, ताल्लुकात में नाकामी हो सकता है, हम ताल्लुकात में बड़े अच्छे हो मगर हो सकता है हम बिजनेस में अच्छे नहीं हो, हमने पैसा नहीं कमाया, हलाल रोजी नहीं कमाए, हो सकता है हमने हराम रोजी बहुत कमाई हो, हम समझते हो कि शायद हमें भी बहुत कॉन्फिडेंस है, मगर हम ये नहीं समझना चाहिए, यहाँ पर इंसान के कॉन्फिडेंस या विल पावर बिल्कुल जीरो है। जो शख्स नेगेटिव वे से कमाते हैं उसका कॉन्फिडेंस जीरो है, जो लोग हलाल रोजी कमाते हैं और उसके हमेशा ख्वाहान होते हैं, उनके विल पावर स्ट्रांग होते हैं, और हलाल रोजी हमारा फर्ज बनते हैं कि हम कमाएं, बिल्कुल, और वो मतलब उसके लिए रुकना भी नहीं कि बस इतना हो गया है बस काफी है, उसके लिए हमें और जितनी कोशिश कर सकते हैं करनी चाहिए। एक चीज में इंसान, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हर चीज में कोशिश करें कि हर चीज में हम जो हम चाहते हैं वो पूरा करें, ठीक है। तो होता ये कि कुछ लोग होते हैं कि नहीं मुझे तो, मैंने फलां फलां काम कर दिए तो मैं तो बहुत परफेक्ट हूँ, मेरी में तो अब आगे सीखने की क्या जरूरत है, इरादा मेरा बहुत ताकतवर है, मुझे, मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, एक बड़ा बहुत ही हाई लेवल पे एक बिजनेसमैन मेरे क्लास में आया था, और वो बता रहा था कि डॉक्टर साहब मेरे तो विल पावर ऐसे स्ट्रांग है आप सोच भी नहीं सकते, मैं जो चाहता हूँ वो यूं हो जाते हैं, ऐसे कोई बात, मेरा इरादा इतना मजबूत है, मगर उनमें जो साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल जो प्रॉब्लम्स थे वो कोई सोच भी नहीं सकता है, और रिश्तों के हवाले से बिल्कुल रुकावटें। तो बात यह है कि ये देखिए, एक चीज में तो वो अपने आप को यानी समझता था कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं, उसकी वजह से उनमें प्रॉब्लम्स आ चुके थे, क्योंकि वो किसी चीज को, किसी मालिज को, किसी चीज को मानता नहीं था, कोई तरीका ही नहीं मानता था, और उनमें ये चीज नहीं था कि वो और क्या कर सकते हैं, जो उन्होंने किए वो शायद बहुत कम है, वो ये सोचते थे कि जो कर लिया वो ही सब कुछ है, वो कहते हैं कि बस मैं कामयाब हूँ, सही, अब मैं से ये चीजें, ये जो HMF जो PMBL है इसे मुझे कोई जरूरत नहीं है। जब वो आते हैं एक दिन के वर्कशॉप, इसका मैं फोर्स करता हूँ उनको कि आपने कल हर सूरत में आना है, वो कहते हैं मेरे पास कल टाइम नहीं है, बस समदा हीलिंग एनर्जी मैंने कर दी है, इसका मुझे बड़े अच्छे बेनिफिट्स है, वो बिजनेस में तो मैं बड़ा कामयाब हूँ और मुझे उसकी जरूरत नहीं है। अगले दिन जब आते हैं, चार घंटे जब बेच जाते हैं, तो वो हैरान हो जाते हैं, यार मेरे में इतनी अभी बहुत कुछ सीखने को है, अभी इतना कुछ सीखने को है कि मुझे बहुत कुछ सीखना है, सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है आज वो शख्स रिश्तों में भी कामयाब है जिस तरह बिजनेस में कामयाब है, सही, पैसे के हिसाब से भी, रिश्तों के हिसाब से भी, आज बीमार भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल जो डिजीज है उसे, और जिंदगी को एंजॉय करते हैं, इसी कहते हैं जिंदगी, क्योंकि हम बहुत कुछ नहीं जानते, हम एकदम हर चीज को ले आते हैं, जब इलम के
कमी होता है इंसान को, तो वो हर चीज को महदूद करते हैं। ठीक है, ठीक है। हर चीज को महदूद करते हैं, हर चीज को महदूद करते हैं। एक शख्स आते हैं मेरे सेमिनार में, वो कहते हैं कि ये जो है ना, ये सेमिनार में फर्स्ट टाइम जब अटेंड करते हैं, उसके बाद वो सवाल करते हैं, डॉक्टर साहब ये तो मैंने साइकोलॉजी में भी पढ़ा है, इसका तो असर होता है। तो मैंने कहा था क्या साइकोलॉजी से आप समझने की बात करो। मैंने उसमें सारे कुछ बयान किया, मैंने ये बताया कि एक शख्स है उनके गुर्दे की पथरी जो है निकल गई, क्या साइकोलॉजी से ये होता है? पॉसिबल नहीं है ना। एक शख्स है उनको एक्नेज है, जल्दी अमराज है, बड़ी क्रोनिक डिजीज है, वो मेडिकली भी क्योर नहीं होता है और आकर वहां क्योर हो जाते हैं, क्या ये कोई साइकोलॉजिकल है? एक शख्स आता है उनके कमर में तकरीबन पिछला 10 साल से या 20 साल से इसको फालिज है, एक शख्स फालिज है, एक शख्स को क्या वो व्हील चेयर पे आता है, दुनिया के मेडिसिन लेते हैं, ठीक है। यही कराची पीसी होटल में पिछले प्रोग्राम में मेरी ये इस तरह के हुए, तो वो इतना मेडिसिन यूज करते हैं, इतना ज्यादा पूरी दुनिया के मालिज इनको करते हैं और वो 24 घंटे में क्योर होके तमाम पीसी होटल के मैनेजमेंट देखते हैं, लाइव रिकॉर्ड रिकॉर्डेड है सारे कुछ। वाओ। और अल्लाह ताला वो क्योर करते हैं, ठीक हो जाते हैं। एक दिन में आपके बिहेवियर में इतना चेंज आ जाता है, जो लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि आप लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं, लोगों के वैल्यू को समझते हैं, तो इसलिए लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं। रिस्पेक्ट देते हैं। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि जब डॉक्टर साहब ये बात कर रहे हैं कि एक दिन में देखिए इतना फर्क आना, एक दिन में आपकी सोचों में तब्दीली आना, ये बहुत बड़ी बात है कि जो इतने अरसे से आप करते जा रहे हैं वो इरादा आपका बार बार टूट जाता है, आपके अंदर वो विल पावर ही नहीं है, आपके अंदर वो पता नहीं वो सारी चीजें जो आप चाहते भी हैं करना लेकिन हो नहीं पा रही है। तो ये बता दूं कि सेमिनार जैसे आप डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी जैसे उनके एक पेशेंट आए थे, तो इस सैटरडे को 3 बजे पीसी में एक सेमिनार है आपका जहाँ पे लोग आ सकते हैं कराची में। कराची में आई थिंक नहीं, इस सैटरडे को नहीं है, वो हम बताते रहेंगे फिर इंशाल्लाह कि वो हम बताते रहेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब मैं सिर्फ एक बहुत सारे सवाल है वो तो मैं करूंगी, मैं आपसे सिर्फ इतनी चीज पूछना चाह रही हूँ कि मैं भी ये जान सकूं कि ये मेरी नेगेटिव सोच है पॉजिटिव सोच है। कि अक्सर मैं सोचती हूँ कि कोई भी काम बहुत मुश्किल हो या आसान हो, मैं उसके लिए कहती हूँ ये काम बस मुझे ही करना है और ये मैं ही कर सकती हूँ और मेरे अलावा शायद कोई ये काम कर ही नहीं सकता, तो मुझे हर सूरत इसको करना है। तो क्या ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस है या ये मेरी नेगेटिव सोच है या मेरी पॉजिटिव सोच है? ठीक है, अगर आप देखे हर इंसान में अल्लाह ने अलग अलग क्वालिटी, ठीक है, ये आपकी नेगेटिव सोच नहीं, ये आपकी स्ट्रांग इरादा है, ये आपको हौसला है, उस चीज पे आपकी कॉन्फिडेंस है। होता ये कि किसी चीज के बारे में मैं जो बात कर रहा था ना, कि अगर किसी चीज की एक्सपर्टीज आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, अगर आप किसी चीज पे एक्सपर्ट है तो आपके कॉन्फिडेंस बढ़ते हैं, ठीक है। अगर किसी चीज में कॉन्फिडेंस आपको नहीं है तो उस चीज में आपके इरादा भी वो होते ही है, यानी कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि नॉलेज किसी चीज पे रखते। अब आपको जो है ना, आप एक अच्छे एंकर है, ठीक है, आपको एक बेहतरीन एंकर समझते हुए अपने आप को और बेहतरी ला सकता है, अपने अपने में और बेहतरियां ला सकता है। आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं परफेक्ट हूँ, यही तो आपकी अच्छाई है। क्या आप ये समझते नहीं, परफेक्ट नहीं समझते लेकिन मैं कह रही हूँ कि मुझे करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोगों की गलत फहमी ये होती है कि वो ये समझते हैं कि जो भी उन्होंने चंद दिन या टीवी पे आए हैं या मकसद कोई शो को उन्होंने संभाले, तो वो इतनी ज्यादा गरूर में आ जाता है कि शायद हम जो हम से बढ़ के कोई है ही नहीं, कोई चीज है, मुझे अभी तक लगता है कि मैं अभी तक सीख रही हूँ नहीं, और आगे कुछ सीखने को उनके पास फिर नहीं होता। बिल्कुल, जब इंसान ने कहीं पे अपने आप को परफेक्ट समझा, इट मींस के नथिंग, तो यानी उन्होंने ये समझा कि आगे, मेरा मतलब ये है कि उन्होंने ये समझा कि आगे कोई सीखने को कुछ नहीं है, बस उन्होंने सब कुछ कर लिया जो है बस, ये गलत है, ये गलत है। इंसान कभी भी अपने में तब्दीली नहीं ला सकता है और जहाँ पर स्टॉप हो गए वो टेंशन डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। बिल्कुल, वो लोग जो आगे बढ़ते हैं कुछ देखते हैं, सीखने को नई चीजें मिलते हैं, हर चीज को महदूद नहीं करते हैं। सही। कि ये तो जिस तरह के सेमिनार में ये शख्स बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब ये तो कोई साइकोलॉजिकल, जो मैंने साइकोलॉजी में पढ़ा था कोई ऐसा तो नहीं, मगर वही शख्स मास्टर तक जाते हैं क्योंकि उनको पता चल जाता है कि अभी मैं बहुत कुछ और भी और कुछ सीखना है, अभी और बहुत कुछ करना। बिल्कुल, और अब जो लोग इरादा करते हैं
और इरादा करते भी हैं कि मुझे ये काम करना है, लेकिन उसके बाद वो कर नहीं पाते, तो वो क्यों नहीं कर सकते? डॉक्टर साहब से मैं ये सवाल का जवाब लूंगी, लेकिन टाइम हो चुका है ब्रेक का, ब्रेक के बाद करते हैं आपको दोबारा ज्वाइन, हमारे साथ साथ रहेगा। एक बार फिर आपके साथ और बात हो रही है, देखिए आज हमारी विल पावर पर, और यकीनन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें अपनी विल पावर को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करना है, मजबूत करना है। अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि देखें इरादा तो हम भी करते हैं काम का, लेकिन काम हो नहीं पाता, तो वो डॉक्टर साहब ये क्या वजह हो सकते हैं? हाँ, काम हो नहीं पाता, देखिए चीजों की कमी आ सकती है, कभी इंसान के इरादा विल पावर बहुत स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, उन्होंने बहुत स्ट्रांग किए होते हैं, मगर उस चीज के बारे में जो अचीव करना चाहता है उसके बारे में उसको नॉलेज नहीं है, इलम नहीं। तो हमें करना क्या होता है, सबसे पहले तो उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि आप फिर जो है ना वो चाहत सी चाहें, और फिर उसके बाद आप उसको उससे कनेक्ट रहें, और फिर नॉलेज उस चीज के बारे में लाजमी है, रियलिटी उस चीज के समझना, यानी उस चीज को समझना जरूरी है जो आपकी गोल है, कि उस मकसद को हासिल किस तरीके से करना है, ठीक है, तरीका उस चीज की नॉलेज, प्रॉपरली उसके बारे में एक्सपर्टीज होने चाहिए। ओके, हर गोल के लिए हमें एक्सपर्ट होना पड़ता है, तो हम अचीव कर सकते। केवल हमने ये तो सोच लिया कि बस ये काम होना है, अब होना है तो कैसे होना है वो भी जानना है, वो जानना है कैसे होना है, वो जानना है चीज है क्या, ये है जो गोल, उसकी रियलिटी क्या है, उस गोल की देखे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने सही तरीके से ली है कि नहीं, ठीक है। इरादा उस वक्त स्ट्रांग हो जाते हैं, पावरफुल हो जाते हैं, कि एक जिम्मेदारी लें आप उस चीज की, कि इसकी जिम्मेदार आप खुद है, ठीक है। इरादे में एक पॉइंट आ गया, एक स्ट्रांग पॉइंट आ गया, क्या है वो, जिम्मेदारी, जिम्मेदारी, ठीक है, इरादे को यानी पुश कर दिए, इरादे को स्ट्रांग कर दिए उसने, मजबूत कर दिए इसने। अच्छा, एक पॉइंट और है जो कि आपको एफिनिटी, चाहत, चाहत, लगन, आपकी चाहत, हाँ, आपके दिल से काम करना, ये ऐड किया आपने, टू पॉइंट्स आपने ऐड कर दिए, इरादा और मजबूत हो गया, स्ट्रांग हो गया। एक पॉइंट और है जो कि आपने उस चीज के साथ कनेक्ट रहना है, ठीक है, उस चीज पे बात करनी है, उस चीज को अचीव करने के लिए स्ट्रगल करनी है ना, उस चीज के नजदीक जाना है, उस चीज को नजदीक जाना, उस चीज को अंदर से एक बार देखना, उस चीज के साथ जैसे कि हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं, okay, right. मिसाल के तौर पे कभी कभी आप अपने साथ कभी भूलती है कि नहीं? बिल्कुल डॉक्टर साहब, यही तो बात है बिल्कुल अक्सर ऐसा होता है, यही तो प्रॉब्लम है अरे अंदर में नहीं क्या, यही तो खूबी है, सॉरी प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम भी है ना, खूबी है, खूबी है, मैं आपको बताता हूँ, खूबी ये होता है कि इंसान अंदर से कभी कभी बोलना जरूरी होते हैं, हम भी उस चीज के साथ बोले कि मैं तुम्हें कैसे हासिल करूं, और अगर हासिल करूंगा तो किस तरह या करूंगे, और तुम है क्या, तुम्हारे भी आते क्या उस चीज को इतना छोटा कर, आपके लिए छोटे हो जाते हैं, कभी कभी हमें बहुत बड़ी छोटी चीज बहुत बड़ी लगते हैं, बड़ी लगती है, इतने बड़ी लगते हैं कि हम उसको अचीव नहीं कर पाते, मतलब असल में वो इतनी होती नहीं है, क्योंकि हम जानते नहीं है, जानते नहीं है, वही तो मैं कह रहा हूँ आपको, जब हम उसके पास जाते हैं, उस चीज को टच करते हैं, उससे उसी गुफ्तगू करते हैं, उससे जो है ना कनेक्ट रहते हैं, हमारे लिए वो छोटे होना शुरू हो जाता है, फिर हम उस पे हावी हो जाते हैं, राइट, ठीक है, ये दो पॉइंट हमने शामिल कर दिए, ठीक है। अब एक पॉइंट जो है यानी कनेक्शन का है, ठीक है, क्या आपने उसके साथ कनेक्ट किया,
अब एक चौथा पॉइंट है जो आपने शामिल करनी है, वो इस चीज की रॉयल्टी को समझना है। रियल मी यानी ये गोल अगर मैं अचीव करना चाहती हूँ तो कितना टाइम लगेगा इस पे, मुझे रिक्वायरमेंट क्या है इसके लिए, जरूरियात क्या है, सही। क्या मुझे इस वक्त ये इस उम्र में मुझे ये चीज हासिल करना भी है कि नहीं, क्या ये मैं इस काबिल हूँ कि नहीं। मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स 90-80 साल का है और वो कहता है कि मैं फाइटर पायलट बनना चाहता हूँ तो वो पॉसिबल नहीं, यानी रियलिटी में ये चीज नहीं आते। रियलिटी में ये चीज नहीं है, बिल्कुल, ये समझने वाली बात है वाकई। या और उस चीज को फिर जब आप उस गोल को हासिल करना चाहते हैं तो उस पे आपका बहुत टाइम लगेगा, सही। उसी बजाय कोई और रास्ता ढूंढ लो, अपने सलाहियतों को किसी और चीज में डालो जिसमें आप पहले से या एक्सपर्ट है या एक्सपर्ट नहीं, एक्सपर्टीज हासिल करो। बिल्कुल यार, रियलिटी गोल के ये होते हैं, हर गोल की एक कीमत होती है और उस कीमत को देखना जरूरी होता है क्योंकि उसके कितने उसके लिए आप कुर्बानियां देंगे, कितने हौसला आप बढ़ाएंगे, कितनी नॉलेज, कितनी चीजें, और हिम्मत तो नहीं हार देंगे। बिल्कुल, ये भी हमें माइंड में, तो वही हिम्मत खुद ही आ जाता है जब ये चीजें आ जाता है रियलिटी। अब आते हैं एक चीज और, एक पॉइंट और शामिल करना उसमें, ये पांचवा पॉइंट, चार हो जाए, पांचवा के चार, पांचवा, अच्छा जबरदस्त, पांचवा पॉइंट एक और, नॉलेज, इलम, किसी चीज के बारे में इतना इलम हासिल करो कि आपके लिए वो इतना छोटा हो जाता है, फिर आप इजीली हासिल कर सकते हैं। क्या आपको उसके बारे में सब कुछ तो पता है, यानी आपको खौफ नहीं है, डर नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर किसी अंधेरे से खौफ होते हैं तो अंधेरे में बैठ नहीं सकते हैं, एक दो दिन अंधेरे में रहेंगे तो अंधेरे उसके खौफ खत्म हो जाते हैं, फिर जब भी कहीं जाता है उसको याद आता है उधर अंधेरे में कुछ नहीं हुआ तो यहाँ पर भी तो कुछ नहीं, यहाँ पर भी तो कुछ नहीं होगा, टच करना पड़ता है अंधेरा को कभी कभी, यानी किसी चीज से ऐसा चीजें। मैं आपको एक मिसाल बताऊं कि किसी चीज के बारे में नॉलेज अगर नहीं है तो हम उस चीज से डरते बहुत ज्यादा। एक शख्स है जो बचपन से वो चपकली से बहुत डरते हैं, बेहद ज्यादा डरते हैं, चपकली घर में घूमते फिरते हुए कभी तो किसी को काटा तो नहीं, वो ये समझती है कि लोगों को काटते ही है और जब काट देते हैं तो मर जाते हैं लोग, उनके जहन में सिर्फ ये सोच आ गई, सांप की तरह, यानी वो सांप से भी बदतर लग, सांप से इतना खौफ नहीं होता उनको जितना उस चीज से, चपकली से होता, जबकि वो कुछ नहीं है। हाँ, सांप से इतना ज्यादा खौफ नहीं था उनको, तो मैंने क्या किया, आर्टिफिशियल जो चपकलियां होती हैं जो प्लास्टिक से बनते हैं, सही, उसका शक्ल सेम होते हैं, मैंने एक बॉक्स में डाल दिए उनको, ठीक, और बॉक्स में डाल के आराम से मैंने उन्हें कहा था इस बॉक्स को टच करो, इसके अंदर चपकली है मगर ये बंद है, बिल्कुल बेफिक्र है, सिर्फ इस बॉक्स को इस तरह टच करो, उधर से तो आपको नहीं काट सकेंगे ना। उन्होंने कहा था नहीं नहीं मुझे नहीं करना, मुझे दूर 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 कर दे मेरे। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने आराम से मेज पे रखा, मैंने कहा चलो इसको छोड़ो बात करें। आहिस्ता आहिस्ता उस शख्स को मैंने कहा था इसको फिर हटा के थोड़ा उनके करीब ले जाए, हम बातें कर रहे हैं ना, तो आहिस्ता आहिस्ता उसने, वो उसकी सहेली थी, उन्होंने आराम से उनके सर पे वो रखा था, अच्छा ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता उसके यहाँ से टच किया था, फिर उन्होंने वापस रखा। मैंने कहा था अब भी ये चीज आपके सर से भी टच हो गई और आपकी बैग से भी, यहाँ से भी टच हो गई, मगर आपको कुछ हुआ कि नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, क्लियर करे, ये चीज कुछ नहीं है, ऐसे कोई बात नहीं है। अच्छा, एक तो होता है कि इवेंट्स पास्ट में गुजरी है कोई इवेंट्स, इसका जितना भी मैंने काउंसलिंग किया, कोशिश की, पास्ट में इसके इवेंट को ऐसा नहीं गुजरा था, याद नहीं था उनको कि कहाँ से डर स्टार्ट हो गया था, कि कहीं बचपन में या कभी कोई ऐसी चीज, तो वो जितना कोशिश मैंने किया वहां पर जितने उसके साथ जो ऐसा नहीं हुआ था डर का कोई चीज, या हुआ होगा मगर याद नहीं था, याद नहीं था ना ही वो चीज था, तो मैंने इस तरह के एक तरीका, ऐसा ऐसा मैंने खुद मकसद उसको ऐसा ऐसा खुलासा बता दूं मान को कि आखिर उन्होंने हाथ अंदर लगा के उसे यू टच किया, बस मैंने कहा था ऊपर से सिर्फ यू टच, और वो ये नहीं समझते थे कि ये रेल नहीं, अच्छा, है वो असल ही समझ रहे, असल समझते थे, होना ये चाहिए मालिज उनको ये करना चाहिए कि वो उनको ये दिखाएं कि ये रेल नहीं है, पहले ना रेल चीजें दिखाएं फिर रेल को दिखाएं, मगर मैंने डायरेक्टली इसी तरह उसके वहम को आखिर में कहा था आप इस चपकली को पकड़ लो, हाथ में पकड़ ले, कोई कुछ नहीं होता है, देखे मैंने हाथ पकड़े उसमें पकड़े, कोई ऐसे कुछ नहीं होता है, उसने हाथ में पकड़े, मैंने कहा आप असल चपकली को भी आप कर सकती हो, मैंने कहा इसको जेब में डाल लो, कोई ऐसा कुछ नहीं होता है। शाम तक तो वो बता रहे थे, थोड़े घबराते थे, मगर जब रात हो गए मैं
सो गई थी और वो मेरे साइड पे यहाँ पर पड़ी हुई थी, सुबह जब आंख खोली तो वही पे थी। तो मैं उसके बाद कहते कभी भी चपकली से नहीं डरी। और मैं तो कहते चपकली पकड़ की बाहर फेंकती हूँ माती, कोई मसला नहीं होते। तो ये यानी डर किसी चीज से, अगर आपको डर है, डर को कैसे खत्म करना, गोल को अचीव करने से भी डर होता है लोगों में, ठीक है। खौफ को कैसे दूर करना कि आपको ये चीज हासिल नहीं कर सकते हैं, आपने तो वो तो वाना ही नहीं, आपने तो वो पावर नहीं, आपके पास तो वो सहूलियात नहीं, आपके पास वो चीज नहीं है, ये तमाम चीजें। यानी इरादा को स्ट्रांग करने में नॉलेज बड़ी जरूरी है एक चीज के बारे में, और वो करीब से किसी चीज को टच करना जरूरी है, उस चीज के साथ बात करना जरूरी है, जो है उससे सबसे पहले आपने नॉलेज नॉलेज। अब उनके मैंने कहा था देखे चपकली काटते नहीं है, रेल में चपकली लाई हमें, मैंने कहा ये देखो यहाँ पर रखे चपकली, यहाँ से यू गई, इधर से यू उतरी, मैंने कहा ये काटते नहीं है ये देख, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें, कोई ऐसी बात नहीं, चपकली तो यहाँ पर रखी ना, उधर से ये यू आ गई तो इधर से यू निकली थी नीचे। मैंने कहा ये देखे, हमने उनको यानी करके दिखाया कि इस सच ये बात है, आप उसको वो इतना बड़ा बला लगता था जैसा कि एक पहाड़ जितना बड़ा, मतलब असल चीज तो ये है कि डॉक्टर साहब हम अपने मसले को इतना बड़ा ना समझें, असल में वो इतना बड़ा मतलब होता नहीं है, हम उसे उस पर हावी हो सकते हैं। देखिए हम अपने मसला को बड़ा समझना यानी उसके बारे में ये पांच पॉइंट याद रखना, पॉइंट्स को याद रखना है, वरना हर चीज आपको बड़ा लगता है। डॉक्टर साहब अच्छा मुझे ये बताइए कि मनफी सोच जो है वो हमारे विल पावर पे बुरा असर डालती है, हो सकता है ऐसा क्या मनफी सोच से हमारा जो कुव्वत इरादी है वो कमजोर हो? हाँ तो यही विल पावर किस चीज को कमजोर कर देते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, मैं इस काबिल नहीं हूँ, मुझे ये पॉसिबल नहीं है, मैं तो फलां जात से हूँ, फलां खानदान से हूँ, मैंने तो जिंदगी में इतनी इतनी बुरी काम किए, मैं किस तरह की हो सकती हूँ, मैंने तो जिंदगी में ऐसे ऐसे अजीब गरीब, मैं तो अजीब गरीब इंसान हूँ, मेरे से कैसे हो सकता है, मैं इस तौर पर कमजोर हूँ, कमजोर कमजोरियों की बात जो होती है ना, यानी इरादा को वो दब देते हैं, इरादा को वो कम कर देते हैं बिल्कुल ठीक है। हौसला कैसे आता है, ये पांच चीजों से आ जाता है, लास्ट पे जो है ना ये पांच चीजों को समझते हुए फिर आपने एक्शन देना है। अच्छा और मजबूत सोच से हम अपनी कुव्वत इरादी को बढ़ा सकते हैं? हाँ ये देखिए अब ने आपने जबरदस्त बात की, जब आपने ये पांच पॉइंट को आपने एड कर दिए अपने गोल में, ठीक है, अब एक होता है चौथा पॉइंट जो है उसको ऐड करें, और छठा पॉइंट इतने ताकतवर हो जाते हैं वो है एक्शन, यानी अमल करना। अब अमल करना। अब जो ये सारी चीजें आपने पांच पॉइंट्स को आपने ऐड कर दी इरादे में, तो लास्ट पे एक्शन ऐसे लेना, ऐसे तरीके से लेना, क्योंकि सारा कुछ आपने हासिल कर आपके हाथ में आ गया, फिर आपके लिए इजी हो जाता है, उसमें इतने कॉन्फिडेंस आ जाता है आपको, वो काम यू हो जाता है, स्टेप उठाना बिल्कुल आराम है, बिल्कुल जबरदस्त हो जाता है। अगर ये चीज शामिल नहीं है किसी चीज में, आप कोई भी काम सही तरीके से नहीं कर सकते है। लोग गलती पता है कहाँ करते हैं, एकदम एक्शन लेते हैं, वो गलत है। मिसाल के तौर पे गुस्सा है, उन्होंने एकदम बात को गुस्से में ले गए और एकदम सा उन्होंने कमजोर सही एकदम से गुस्सा किया उसने, और उस गुस्से से बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, जो वहां से निकल रहा है वो भी मसाइल खड़े कर रहा है, जो चीजें हैं ये बात है। तो पहले उस बात को समझ लें कि जो आप जिस बात से बोलने वाले हैं उस बात के पीछे क्या लोग क्यों कह रहे हैं, क्या करना चाहिए, किस तरह से कदम उठाना चाहिए। आपने कहा ना कि हर चीज पॉइंट्स हमारे हर चीज में होने चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव यानी पॉजिटिव, ये पॉइंट्स हर चीज में होना चाहिए, कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसमें नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब ये पीस ऑफ माइंड का होना कितना जरूरी है ये भी तो बताएं कि लोग जो है ये चीजें जब आप ये पांच चीजें जब आप ऐड करते हैं अपने गोल में तो पीस ऑफ माइंड भी आ जाता है, क्योंकि अगर आपके लिए किसी चीज के गोल की क्लैरिटी नहीं है ना, क्लियर नहीं है कोई चीज आपके लिए, तो पीस ऑफ माइंड पॉसिबल नहीं, क्योंकि फिक्र मुंतशर होते हैं ना, मुंतशर ख्याल ही होते हैं उस सूरत में, पता नहीं होंगे नहीं होंगे क्या होंगे, उस चीज को क्लियर करना बड़ी जरूरी होती है। अब पता नहीं कैसे होगा, मेरी से होगा भी कि नहीं होगा, जिंदगी में क्या हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, फ्यूचर पे लोग सोचते रहते हैं। सबसे बड़ी बात ये, सबसे जो लोग अपने आप को कमजोर करते हैं वो पता है क्या होते हैं, हमेशा वो फ्यूचर पे सोचते रहते हैं,
ठीक है कि फ्यूचर में पता नहीं क्या क्या, यानी मनफी चीजों पे सोचा, जिस तरह आपने बात की कि मनफी असरात कितने, वो शख्स मनफी असरात फ्यूचर में देखे, आगे आगे जिंदगी में वो हमेशा मनफी चीजें देखे तो उस चीज में नाकाम में भी आ जाते हैं। तो प्रेजेंट में रहना, यानी हाल में हमारे इरादे स्ट्रांग हो जाते हैं, कुछ करें, छोड़ो आज के लिए, आज कुछ आज करो ना, कल का इंतजार क्यों कर रहे हो, आज के लिए कुछ करो, आज से करो, अभी से करो। बिल्कुल। अच्छा, सेल्फ इम्प्रूवमेंट कितनी ज्यादा जरूरी है किसी भी काम के लिए, किसी भी मकसद की कामयाबी के लिए? हमें अच्छी सेहत की जरूरत है ना, और अच्छे हौसले की, जो हौसला जो देते हैं वो अच्छी सेहत देते हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो है वो बनता है इस तरह, तरबियती जो प्रोग्राम जो अभी हम कर रहे हैं, ठीक है, ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट है ना, कि लोग कर रहे हैं तरबियती प्रोग्राम्स को, यानी जो हमारे जो प्रोग्राम है, ये जो अल्टरनेटिव मेडिसिन डॉक्टर अब्दुल समद, ये यानी ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो लोगों के हौसलों को बढ़ाते हैं, माशरे को एक नए रूप देते हैं, सही, बिल्कुल, एक ताकत होते हैं, माशरे के कमजोर से कमजोर शख्सियत अपने आप को ताकतवर समझते हैं और उसमें हौसला आ जाते हैं कि हम भी अशरफुल मखलूकात है, ताकतवर है, हम भी कुछ कर सकते हैं जिंदगी में, अच्छा कर सकते हैं, हलाल रोजी कमा सकते हैं, अच्छा ही कर सकते हैं, रिश्तों के अच्छे बना सकते हैं, बेहतरी ला सकते हैं हम अपनी लाइफ में जहाँ तक हो सके, और पीस ऑफ माइंड ऑटोमेटिकली आ जाते हैं जब आप अपने तालुकात से मुतमईन हो, अपने जो बिजनेस से मुतमईन हो, अपने तमाम चीजों, जब इंसान मुतमईन है तो पीस ऑफ माइंड आ जाते हैं, खुद ही आ जाते हैं, अंदर से कल्बी सुकून होते हैं, तमानियत आ जाते हैं इंसान में, जब कल्बी सुकून जहाँ पर होते हैं तो पीस ऑफ माइंड ऑटोमेटिकली। अच्छा, देखें कि वही चीज ना, कि एक तो सेल्फ डिसिप्लिन हमारे लिए, मतलब ये कि जरूरी है किसी भी, जैसे आपने कहा ना कि हम किसी मकसद को हासिल कर रहे हैं, तो उसके लिए कितना ज्यादा जरूरी ये हो जाता है सेल्फ डिसिप्लिन। देखिए, हमने हर काम को मुनज्जम तरीके से करना और उसे इम्प्रूव भी करना हो, अगर हम अपने अंदर एक डिसिप्लिन ले आना है, हर चीज को हमने तरीके से टाइम पे करनी है, और आज का काम हमने कल को नहीं छोड़ना, हर चीज डिसिप्लिन से हो जाएंगे, ठीक है, और अभी लहजे का, इस वक्त का, इस घंटे का काम हमने अगले घंटे पे नहीं डालना, अभी ही करना है, बिल्कुल, और इस मिनट का काम अगले मिनटों पे नहीं डालना, और इस सेकंड का काम अपने सेकंड पे नहीं डालना, हमने उसमें ये थोड़ा फैसला ये कर ले बस, कि उसको समझने के, और ये छह पॉइंट्स उसमें शामिल करें, छह पॉइंट्स जो है, सॉरी पांच पॉइंट्स उसमें शामिल करें, और फिर छठा एक्शन, एक्शन लोग क्या करते हैं कि अगर प्रेजेंट को उन्होंने इस्तेमाल भी करनी है, हाल को इस्तेमाल भी करनी है, अभी अगर कुछ करना भी है तो एकदम एक्शन लेते हैं, उसमें नाकाम में होते हैं। बिल्कुल जबरदस्त। तो आइए देखें कि आज का जो ये भी एक बड़ा काम है, सबसे बड़ा काम ये है कि आप बैठ के अपनी जिंदगी के जितने गोल्स है उसको लिखो, क्लियर हो जाएंगे कि आप चाहते क्या है। सबसे पहले तो अपने आप से पूछे कि मैं क्या चाहती हूँ, ये जरूरी है। किसी का नाम मत लिखिएगा, मकसद लिखे नहीं कि मैं क्या, खुद को लिखे, खुद लिखे कि मैं क्या चाहती हूँ, एक जवाब मिलेगा नीचे आपको कि आप ये चीज चाहते हैं। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि आपके जो फैमिली है, आपके जो उनके लिए कुछ करें, सही, आपके जो दोस्त अहबाब है उनके लिए कुछ करें जिंदगी में, आपके सबसे पहले तो आपके अपने लिए हेल्थ आपके अच्छे, आपके हेल्थ जरूरी है, अपने बारे में जानना जरूरी है, अपने सलाहियतों को समझना जरूरी है, ठीक है, एज अशरफुल मखलूकात अपने बारे में बहुत सारा कुछ जानना जरूरी है, दीन के हवाले से भी हमें यह समझना चाहिए कि जो है ना, हम अशरफुल मखलूकात और हम अगर अपने आप को समझते हैं, जो हमारा खालिक है उनको भी हम सही तरीके से समझने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मुझे जल्दी से बताइए कि हमारे व्यूअर्स भी जाने की बिल्कुल ये बेताबी से कोशिश कर रहे होंगे कि विल पावर को बढ़ाने के लिए कोई एक जबरदस्त एक टेक्निक बता दीजिए। जी, सबसे पहले तो विल पावर बढ़ाने के लिए सबसे पहले ये फाइव पॉइंट्स को शामिल करना और एंड पे एक्शन लेना, ये विल पावर को बहुत स्ट्रांग करते हैं, ठीक है, और हमेशा अपने साथ ये सोचे कि आप अशरफुल मखलूकात हैं, अल्लाह ताला के ताकतवर मखलूक हैं, हमेशा आप ये सोचे कि आप ताकतवर हैं, आप पावरफुल है, आपने अल्लाह ने बहुत सारे ताकतें दी, उसको इस्तेमाल करना, और याद रखे एक चीज और आम तरीन चीज याद रखे कि हम अपने पावर को, साइंस के अभी जो रिसर्च हुआ है कि हम अपने 3-4% पावर को इस्तेमाल करते हैं,
बाकी 95% पावर को इस्तेमाल नहीं करता है, तो इसलिए सोच के कि आप अपने और पावर भी इस्तेमाल करके फिर इस दुनिया से जाना है, तो इरादे यू स्ट्रांग हो जाते हैं, अल्लाह ताला स्ट्रांग कर देते हैं। और एक इरादे के लिए, अच्छे इरादे के लिए जो है ना, स्ट्रांग करने के लिए सोच आपके मुस्बत हो अपने बारे में, बिल्कुल अपने बारे में, बारे में सोच, और अपने अच्छाइयों पे थोड़ा फोकस्ड रहे तो गलतियां खुद ही कम होना शुरू। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमारी विल पावर को बढ़ाने के लिए HMF और समदा हमारी कितनी मदद कर सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है 99% हमारे हेल्प कर सकते हैं। जो हम जो तरबियती कोर्सेज कराते हैं, लोगों को वहाँ बिठाते हैं, कई कई घंटे होते हैं हमारे साथ, ऐसे ऐसे मेथड्स बताते हैं, अटेनमेंट देते हैं उनको, वो खुद ही महसूस करते हैं और 24 घंटे के अंदर अंदर बताते हैं, हमें बता देते हैं कि हाँ मेरे में चेंज है। सही। और वो गज वो मैदान होते हैं, हम वही बताते हैं उनको, मैं उसके सामने उसके साथ बैठ जाता हूँ। ये नहीं कि उनको बता दूं कि आप इमेजिन करते रहे हैं, आप सीडीज सुनते रहे हैं, मेरी बुक्स पढ़ते रहे हैं, फलां करते रहे, वो करते हैं, प्रैक्टिकली किसी को बिठा के वही पे हम खुद तजर्बा करते हैं। वो लैब होते हैं, एक तरह के लेबोरेटरी होती है, जो हम पे तजर्बा करते हैं वही पे सारा कुछ। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको रिजल्ट बेस्ट और बेहतरीन मिलते हैं, आज का और खुद बयान करते हैं और खुद वो समझते हैं उस चीज को, उससे मुतमईन होते हैं 100%। जबरदस्त, आज का टॉपिक भी हमारे लिए इतना इन्फॉर्मेटिव रहा, इतना अच्छा रहा, क्योंकि बहुत सारी बातें हमें नहीं मालूम होती। कोशिश तो हर इंसान चाहता है कि उसे आगे बढ़ना है, और बहुत सारी बातें नहीं, हम अभी तक तकरीबन 96% हम नहीं समझते, 4% शायद या 3% हम समझते, बहुत सी चीजें नहीं, बहुत सी चीजें नहीं, तमाम चीजें आहिस्ता आहिस्ता ये आपको सब कुछ मिलता भी रहेगा। और डॉक्टर साहब है ना आप लोगों के लिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा, थैंक यू। इसके साथ ही टाइम हो रहा है खत्म हमारे इस शो का, यकीनन आप लोगों को हमेशा की तरह हमारा शो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि आप सब लोग खुद अच्छे, हर इंसान अच्छा होता है, अपने अंदर से सिर्फ बुरी सोचों को निकालना है, मस्त सोचों को रखना है, हमेशा की तरह का ये मैसेज मेरा आपके लिए। और इसी के साथ ही अपनी होस्ट रहना को इजाजत दीजिए, जिंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।